बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इल्म नूर है। आइए पारा नंबर 26 से पारा नंबर 28 तक आने वाली सूरतों में आयात और रकू की तादाद के बारे में जानते हैं। सूरह अहकाफ में रकू और आयात की तादाद कितनी है? इस सूरत में 4 रकू और 35 आयतें हैं। सूरह मुहम्मद में रकू और आयात की तादाद कितनी है? इस सूरत में 4 रकू और 38 आयतें हैं। सूरह फतह में रकू और आयात की तादाद कितनी है? इसमें 4 रकू और 29 आयतें हैं। सूरह हुजरात में रकू और आयात की तादाद कितनी है? इस सूरत में 2 रकू और 18 आयतें हैं। सूरह काफ में रुकू और आयात की तादाद क्या है? इस सूरत में 3 रुकू और 45 आयतें हैं। सूरह जारियात में रुकू और आयात की तादाद क्या है? इस सूरत में 3 रुकू और 60 आयात हैं। सूरह तूर में रुकू और आयात की तादाद कितनी है? इसमें 2 रुकू और 49 आयतें हैं। सूरह नजम में रुकू और आयात की तादाद कितनी है? इस सूरत में 3 रुकू और 62 आयात हैं। सूरह कमर में रुकू और आयात की तादाद क्या है? इस सूरत में 3 रुकू और 55 आयात हैं। सूरह रहमान में रुकू और आयात की तादाद कितनी है? इस सूरत में 3 रुकू और 78 आयतें हैं। सूरह वाकया में कितनी आयात और रकू हैं? इस सूरत में 3 रुकू और 96 आयात हैं। सूरह हदीद में रुकू और आयात की तादाद कितनी है? इस सूरत में 4 रुकू और 29 आयतें हैं। सूरह मुजादिला में रुकू और आयात की तादाद कितनी है? इस सूरत में 3 रुकू और 22 आयतें हैं। सूरह हश्र में रुकू और आयात की तादाद कितनी है? इस सूरत में 3 रुकू और 24 आयतें हैं। सूरह मुंतहीना में रुकू और आयात की तादाद कितनी है? इस सूरत में 2 रुकू और 13 आयात हैं। सूरह सौफ में कितने रुकू और आयात हैं? इस सूरत में 2 रुकू और 14 आयतें हैं। सूरतुल जुमा में रुकू और आयात की तादाद कितनी है? इस सूरत में 2 रुकू और 11 आयतें हैं। सूरह मुनाफिकून में रुकू और आयात की तादाद कितनी है? इस सूरत में 2 रुकू और 11 आयतें हैं। सूरह तगाबुन में रुकू और आयात की तादाद कितनी है? इस सूरत में 2 रुकू और 18 आयतें हैं। सूरह तलाक में रुकू और आयात की तादाद क्या है? इस सूरत में 2 रुकू और 12 आयतें हैं। सूरह तहरीम में रुकू और आयात की तादाद कितनी है? इस सूरत में 2 रुकू और 12 आयतें हैं। सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।